subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. Hello दोस्तों, hello viewers, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, क्योंकि अगर आप लोग ठीक ना होते तो आप लोग वीडियो थोड़ी मेरी देखते। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ आज इनकी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत इन्फॉर्मेशन, वो है कोकटल के बिज़नेस के बारे में। तो जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने कोकटल रखे हुए हैं और मेरे पास काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के पास भी अच्छा रिज़ल्ट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा इनके लिए प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन। जितनी भी मुझे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है, वो है कोकटल के बिज़नेस के बारे में। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कोकटल का बिज़नेस करें और हमें क्या फ़ायदा होगा, तो मेरी तरफ से आपको राय है, यस आप बिज़नेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और वो किस तरह आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार ये कोकटल बर्ड्स है, या कोई भी शॉपकीपर होता है वो आपको यही कहता है कि यार ये बड़ा नाजुक परिंदा है, इसको रखना बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, ये इतना भी नाजुक नहीं होता जितना आप लोगों को डरा दिया जाता है। तो मेन चीज़ आती है आपका ख्याल रखना। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, चाहे वो कोई सा भी बर्ड्स क्यों ना हो, तो वो बीमार हो जाएगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बिज़नेस के बारे में बात करूं, तो जी हाँ, मैं बिज़नेस के बारे में ही बात कर रहा हूं। पर मैं आप लोगों को पहले रिलैक्स करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल मत घबराएं, आप कोकटल लाए, अपने पास रखें और कोशिश करें कि अगर कहीं से बाय करें हैं तो घर से बाय करें, किसी शॉप से बाय मत करें। अगर कोई घर की ब्रीड नहीं है किसी के पास, तो इट्स ओके, शॉप वाले से ले ले, पर कोशिश करें पट्टे लिया करें। पट्टे उनको कहा जाता है जो ख़ुद दाना पानी कर सके और एक दो महीने के हो, या कोकटल के तो बच्चे ऐसे भी बड़े होते हैं वो 4 महीने के हो। और वो ब्रीडिंग में कब आते हैं, वो है 9 महीने के बाद वो अच्छी ब्रीडिंग में आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आप इनके पेयर लेकर आए, और आप लोगों को सबसे बेहतरीन राय मैं आपको यही देता हूं कि आपने इनको रखना किस तरह है। आपने इनको अलग-अलग केज में रखना है, ये नहीं है कि एक कॉलोनी में ही छोड़ देने हैं। पहले इनको एक कॉलोनी में छोड़े जब तक ये कंफर्म पेयर नहीं बन जाते। जब आपको लग जाए कि ये एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, इसके साथ इसको पेयर बनाता हूँ, इसके साथ इसको पेयर बनाता हूँ, तो आप वो ले आए और इनको पेयर बना दें, और इनको एक अलग केज में रखे। जब आप इनको अलग केज में रख देंगे और बॉक्स रखे या मटकी, तो मैंने तो बॉक्स रखा हुआ है, पर आप लोगों ने ब्रीडिंग लेनी है, बिज़नेस के बारे में सोचना है, तो आपने मटकियां ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मटकी से ये होगा कि वो मटकी में बहुत ही रिलैक्स होते हैं और ये आसानी से ब्रीड कर जाते हैं। जो बॉक्स होता है वो असल में हम अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बार बार चेक करना होता है कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्होंने एग दिए कि नहीं दिए हैं, तो काफ़ी हमारे जहन में क्वेश्चन होते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। पर जो बेहतरीन जो ब्रीडिंग आपने लेनी है कोकटेल पैरट की, तो वो आपको मटकी से मिलेंगी। और आपने इसका बिज़नेस कौन से बर्ड से शुरू करना है, तो मेरी आप लोगों को यही राय है कि इसको ग्रे पैरट से बिल्कुल मत शुरू करें, या क्रीम कलर के बर्ड्स ले आए, या इनो ले आए, या इसमें जो बड़ी वैरायटियां हैं वो इस्तेमाल करें, तो वो बेहतरीन रिज़ल्ट, क्योंकि इनके बच्चे बहुत ही जल्दी ग्रोथ नहीं करते, इनको 2-3 महीने लग जाते हैं। और ये अंडे देते हैं, तो अंडों के ये 20 या 21 दिन में इनके बच्चे निकल आते हैं, जब और जो बड़े होते हैं वो 2 महीने लग जाते हैं। ये थी इनकी छोटी छोटी सी टिप्स जो मैंने आप लोगों को दी है, पर ये बहुत बड़ी काम आएंगी आप लोगों के लाइफ में। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप रखें और आप लोगों को आपका बिजनेस भी आप देख लेना कि आपका बिजनेस कैसे आगे जाता है, क्योंकि अगर आप बड़ी वैरायटी रखोगे तो उसमें आपको बड़ा ही फायदा मिलेगा, अगर छोटी वैरायटी रखोगे
जिससे मुझे आपको हौसला फ़ायदा अफजाई तो होती मिलेगा, रहती है पर वो और मैं आप धीरे लोगों के लिए धीरे से इंशाल्लाह कतरा कतरा अच्छी से। अच्छी और तो आई प्यारी होप प्यारी आप सी लोगों को अच्छे इंफॉर्मेशन तरीके से लाता समझ आ गई रहूँगा। होगी कि ओके होटल का दोस्तों, मुझे बिजनेस इजाज़त करना दीजिए, कैसा है। तो बहुत ही लाफिज़। आसान है, बहुत ही इजी है, और बिल्कुल मत घबराए, अपने पास लेकर आए पेयर, कंफर्म पेयर लेकर आए और आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जिस तरह इसके ये जो नीचे बच्चे आप देख रहे हैं, ये फेरे इनको मैंने अलहदा कर दिया, ये इन्हीं के बच्चे हैं। पर मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने जो इसकी फ़ीमेल थी वो मैंने ग्रे की रखी थी, और जो मेल है वो आपके सामने है, कॉमन वाइट का मेल है। इसमें इसने एक बच्चा कॉमन वाइट का निकाला है, दो बच्चे ग्रे के। पर ये इनको मैंने सेल आउट इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन्हीं के बच्चों से मैं हो तादाद बढ़ाऊँ, और जिस तरह इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो मेरा ध्यान अभी तक बिज़नेस की तरफ है नहीं इनका, क्योंकि मैं तो इनको शौक के तौर पे रखता हूँ। अगर मेरा ध्यान बन गया बिज़नेस की तरफ तो मैं कॉकटेल ही का मशवरा दूंगा आपको। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि कॉकटेल का बिज़नेस करना कैसा है। तो ओके दोस्तों, बाय, अल्लाह हाफिज़।